के घर वाले हैं हम पे बम और पता नहीं क्या क्या बारूद गिरा के हमको घर से खदेड़ लिया और खुद आराम से घोड़े बेच के चीन की नींद सो रहे हैं। ढोलक तो है नहीं ना मेरे पास, कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा इनको जगाने के लिए। इस हांडे को आज अच्छे से देख, क्योंकि आज के बाद मैं इसकी शक्ल बदलने वाली और इस पे जितने निशान पड़ेंगे ना सब गिन लेना, क्योंकि आज के बाद इसकी शक्ल और अपनी किस्मत दोनों बदलने वाली है। टेनी रुको, टेनी चोर पकड़ो, पकड़ो चोर। कैसा सपना था। क्या हुआ? अरे सरवरी, इतना भारी वेग है, तुन्नू को पेट में लेके ये भाड़ी काका धक्के खाते फिरूंगी, ये मुझसे नहीं उठ रहा है। अरे पर मैं उठा। थैंक यू, थैंक यू। चलो ये रात में क्यों जा रहे हैं? ये लोग तो सुबह निकलने वाले थे। जब रिश्ते टूट जाएं, तो फिर अजनबी लोग सुबह जाएं, शाम को जाएं या रात को जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये चौकीदारी बंद करो और यहां आके चुपचाप सो जाओ। क्या कर रही है? पीछे मुड़ के मत देख, सर्वरी प्लेन फील कर रही है क्या? सब उठ गए और आंखें फट फट के देख रहे हैं, सबके दिल की घंटी बज रही है। सीधी सीधी चल मत देख। नाटक शुरू कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये आउट हाउस के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं आप? अरे दिल्ली बार, हाँ से यहाँ तक आने में थक गई मैं। ये टैनी हमने आउट हाउस क्यों ले आई? चलो अभी देख लो, ये है हमारा नया घर। अरे एक बार ना मेरे को दादी ने बताया था कि दादाजी के पापा ने ना एक आउट हाउस बनवाया है, उसमें भानुशालियों के रहने के लिए नहीं बल्कि वो कोई संत महात्मा ऐसे जाते ना सत्य की तलाश में उनके विश्राम के लिए। अभी इसमें कोई भानुशाली घर रहा तो है नहीं, और तुम्हारे नाम के आगे से भी भानुशाली हट गया, तुम्हारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है, तो अभी हम यहीं पे रहेंगे, ये होगा हमारा डेरा, समझ गए? तुम्हारे दादा के वो क्या बोलते हैं, हाँ पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि कोई तीन बेचारे बेघर तो तीन नहीं मिला कि चार बेचारे बेघर रहे तो सही इसमें। मगर टेनी क्या घर मगर सरवरी, सफर शुरू हो गया अब हमारा इस धर्मशाला से उस घर तक। चाहती है ना टन्नू अपने दादा परदादा की गोदी में खेले, तो उठा पैर, उठा सामान और बढ़ जागे।
से निकले तो आउट हाउस में कबाड़ी कबाड़ रखा है यहाँ पे। तवेरी झाड़ू उठा और सफाई शुरू कर, अच्छे से झाड़ू लगा। मेरी सकल के दिख रहे, मैं थोड़ी ना करूंगी, तुमने सब क्या करना, चल शुरू हो जा चल। घर छोड़कर यहाँ आ गए, किसी ने हमें रोका तक नहीं। सरवरी तू खुद भी सोचती है तो क्या बोल रही है। चल अभी तू मेरे को बता, तुनु जिस दिन पैदा होगा उस दिन ही बस तो अटक स्कूल जाने लगेगा क्या? नहीं ना, कुछ चीजों में वक्त लगता है और वैसे भी तेरा 5 महीने का झूठ है और घर वालों पे ऐसे बिजली की तरह गिरा है ना कि सब हिले हुए। कुछ टाइम तो लगेगा ना उनको नॉर्मल होने में। अभी अभी तो हमने घर छोड़ा है, 10-15 मिनट में थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे। आराम से 10-15 दिन लगेंगे उनको शांत होने में, समझी? और आज रात को तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए चैन से सो जा। पर तूने मेरे पे भरोसा किया ना, उसके लिए थैंक यू। सीजल, इस वक्त सब ठीक तो है ना? अपना फोन दो जल्दी। फोन उठाया, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, तो पता मैं कितना डर गई थी। पागल हो गई है, ये टाइम है कॉल करने का। गुड नाइट। सुनो, मेरी फ्रेंड बेचारी बहुत डिप्रेशन में, बात बात पे जान देने का सोचने लगती है। मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैं बहुत घबरा गई थी। तुम्हें तो पता ही है कि एक तो घर में इतनी टेंशन है, ऊपर से मेरी स्टूपिड सी फ्रेंड। बुरा तो बहुत हो रहा है घर में, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। टेंशन तो अब तुम्हें होगी क्योंकि मैं तुम्हारा पासवर्ड जान गई हूँ। ऋषभ तो अब सिर्फ मेरा होकर रहेगा। अच्छा है चैन से सो गई, वरना बेचारी कितना कुछ झेला इसने। गर्मी से गला सूख रहा है।
लड़की इस घर में रहेगी तो मैं अपने परिवार के साथ ये घर त्याग दूंगा। जब मुझे मेरे परिवार और तुम में से किसी एक को चुनना था तो मैंने तुम्हें चुना। सच्ची बोल, पहचान गया था ना मेरी आह? सब घर वालों से मेरे लिए लड़ा, दादाजी के सामने मेरा हाथ थाम, फिर भी बोलता है तू मेरे से प्यार नहीं करता। क्या बोल रही हो? यानी मैंने तुमसे बोला था ना? तू मुझे बोलता है कि मेरे बिना तेरा और सरवरी का रिश्ता अधूरा है, मुझे जाने भी नहीं देता और हमेशा साथ रखने का वादा भी नहीं करता, मेरी इतनी फिक्र करता है, मन कहता है कि ये प्यार नहीं है, हल्का सा छूने दिल बैठ गया थे, नजरे चुराने लगा, पर ये फिक्र है और प्यार नहीं है, इतनी बेचैनी की। हाँ करता हूं मैं तुमसे प्यार, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से अलग है और ये मैं तुमसे कह चुका हूं। यानी और रही बात दादाजी की, तो दादाजी का हाथ छोड़कर मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए थामा क्योंकि यही सही है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तब भी मैं यही करता। चल माना, मेरी जगह कोई और होती तो भी तू यही करता, पर मेरे छूने से इतना हड़बड़ा क्यों गया, नजरें क्यों चुरा रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं तुम किस तकलीफ में हो। समझता हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो तुम मेरे साथ और क्या लिखा है तुम्हारी किस्मत में। काश तुम्हारी शादी हो गई होती और तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। क्या लगता है तेरे? मैंने ये सब मिटाने की कोशिश नहीं करी, तेरे को मालूम है पर कितना भागी मैं इससे, कितना लड़ी मैं अपने दिल से, पर फिर हार गई इसके आगे और मेरे को मानना पड़ा कि जो प्यार है नहीं यही टिक के बैठने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। और तू मेरी वजह से देवदास बनना, दुखी होना बंद कर दे, मत दुखी हो मेरे लिए, क्योंकि अम्बे माता जी ने ना एकदम सही बिल्कुल सब सेट किया है मेरे लिए। तो मेरी पहले वाली जिंदगी याद है, तेरे रोज कुआ खोदो और पानी भर, बनिया पे सब कुछ मस्त है, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा रहने को, और सबसे ऊपर मेरे पास तू है जो मेरा इतना ख्याल रखता है, लेकिन तू खुश नहीं, और यही अभी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। यानी जिंदगी में ना फिल्मों की तरह हैप्पी एंडिंग नहीं होती, इसलिए खुशियां मुस्कुराहट कोई मायने नहीं रखती। जब दिल में दर्द हो, समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं।